गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई आज हम कर रहे हैं व्लॉग, क्योंकि आज मैं कन्नू को लेके जा रही हूँ गो कार्टिंग पे। मतलब एक साल हो गया उसको बोलते हुए, गो कार्टिंग ले जाओ। तो आज फाइनली हम उसको गो कार्टिंग लेके जा रहे हैं, पर अभी भी थोड़ा सा कन्फर्मेशन नहीं है कि गो कार्टिंग जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आज मुझे रात को कहीं पर जाना है मे बी। तो पर देखते हैं, व्लॉग तो स्टार्ट कर देते हैं, या तो गो कार्टिंग जाएंगे या तो कहीं और जाएंगे। तो भाई ये आ चुका है कन्नू, कितना गोरा लग रहा है। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? गो कार्टिंग। आज हम गो कार्टिंग करने जा रहे हैं। इतने टाइम के बाद, मतलब कितना टाइम से बोला हुआ है हमने गो कार्टिंग के लिए? एक महीना हो गया है। हाँ, एक महीना हो गया होगा। मेरी कोई गलती नहीं है भाई, मम्मी पापा की गलती है। पर आज फाइनली हम जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, है ना। कैंसिल हो गया तो मैं रो दूंगा। मैं छोड़ रही थी ना, तो एक ना चीज़ आती थी चौकी चौकी, तो जब मैं तब 7-8 साल की थी तो वो 5 रुपये की आती थी। ये है वो, उसके बाद ना बड़ी होती गई तो मैं भूल गई इसके बारे में ना। मेरे को सडनली थोड़े टाइम के बाद रियलाइज हुआ, यार आई वॉज यूज टू ईट दिस, तो मेरे को ना उसका नाम याद नहीं आ रहा। 2 महीने हो गए 4 महीने हो गए 5, 6, 7, 8 नहीं आ रहा यार। एकदम से जेप्टो पे ये मेरे को दिख गया, तो वही है। मैंने भाई एक सेकेंड नहीं लगाया मंगवाने में, मैंने पूरा पैकेज मंगवा लिया यार। सो हैप्पी, इसको ज़रूर खाना। यह चौकी चौकी पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ भाई, बस बिल्कुल सच है, मज़ा आ जाएगा खा के देखना। तो हमने कन्नू के लटकने वाला लगाया ताकि इसकी हाइट इंक्रीज हो। कर 1, 2, 3 बस। एक बार इसने किया था 100 नैनो सेकेंड, जैसे हम कहते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके 100 हुआ था, है ना। थक गया। हो चुकी है शाम, लाइक कितने बज गए, 6 बज गए आज। ना बहुत दिन के बाद ना मैंने सोचा थोड़ी देर ना सोती हूँ मैं, अगर 5:15 बजे सोने लेटी, मेरे को इतने कॉल्स आ गए, इतने कॉल्स, पूछो मत। एक बंदा का 4 बार फ़ोन आ रहा है, 4 बंदों के 40 बार ही फ़ोन आ रहे हैं, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, हद हो गई यार। अब मम्मी आने वाली है थोड़ी देर में एंड फिर हम निकलेंगे गो कार्टिंग के लिए। एंड कल संडे है, कल मैं एक अपने बहुत ही पुराने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मेरे स्कूल का दोस्त है, बहुत 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 पुराना दोस्त है मेरा, तो आई होप आए कल का मिलना, बाकी देखते हैं। तो यार मम्मी को ना काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, तो इसलिए कन्नू बहुत ज़्यादा ना परेशान हो रहा है, तो मैंने इसके लिए TV लगा दिया है। और पर अभी भी बहुत ही ज़्यादा सैड हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है कुछ। तो भाई मैं हो चुकी हूँ एकदम रेडी पूरी तरीके से, एंड मम्मी ने आज बहुत देर लगा दी आने में, अब आई हैं, बहुत देर लगी, 7:15 हो चुका है, फटाफट हम निकल रहे हैं क्योंकि वो 10 बजे ना बंद हो जाएगा, इस वजह से चलते हैं। हम हो गए हैं रेडी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये चला भी पाएगा गो कार्टिंग में या नहीं चला पाएगा। आई डोंट नो, नहीं चला पाएगा, चला पाएगा ना, उसने नहीं चलाया ना, मारूंगी ठीक है। यार कहीं जाने के लिए निकल तो जाओ, पर ये ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है दिल्ली में। अभी भी हम इतनी दूर है और इतना बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, और हम फाइनली अब पहुँचने वाले हैं इतनी देर के बाद वो भी। ओके गाइस, हम पहुँच गए हैं। मेरी मम्मी कुछ तो बोलो। चलो फाइनली इतने जाम के बाद हम आ गए हैं गो कार्टिंग, और ये है पूरा ट्रैक गो कार्टिंग का। फाइनली गो कार्टिंग देख ले, कर लेगा ना। गाइस तो कैसा लगा? मजा आ गया है ना, कितने डर रहा था ये पहले, भाई चलाया ना कैसे लगा, वापस आना है? यस, दोबारा भाई, बहुत मज़ा आया, मम्मी ने भी की थी मजा के भी। ऐसे कैसे मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, मम्मी आगे बैठ जाओ, अब तो मैं आते हुए वहाँ से चला लूँगी, बीच में जब चलो आगे बैठ जाओ, तू बैठ जाओ, मज़ा आया यार। हम आ गए अपनी फेवरेट जगह पे द्वारका में, यहाँ पे चाप नॉनवेज सब कुछ मिलता है और बहुत ही बढ़िया मिलता है। कुछ तो बोल। हेलो। तो भाई हमारा खाना तो आ चुका है, अब करते हैं पेट पूजा।
तो भाई पापा का मन था कॉटन कैंडी खाने का, तो चंदन देवी हॉस्पिटल के यहाँ पे ये भैया खड़े होते हैं, कॉटन कैंडी लगाते हैं और ये पूरी रात खड़े होते हैं ऐसा पापा ने बताया। तो अगर आप विजिट करो तो ज़रूर इनसे कॉटन कैंडी लेना है। फाइनली वी आर होम और हमने मोमोज वाले से इतनी सारी चटनियाँ ले ली। पापा ने, पापा जानते, पहले तो हमने एक दो ऐसी चुरा ली थी उसके बाद से पापा ने उसमें से पूरी भर ली है, तो दे दो है ना मम्मी। हमने चोर बनाया अपने बच्चों को है। अब जा रहे हैं हम घर है, यही तो काम था। तो भाई मैं तो आ चुकी हूँ अपने घर और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब गो गाइडिंग करने का। कन्नू बहुत ज़्यादा डरा था एक्चुअली। जब गो गाइडिंग कर रहे होते हो तो आपके पास सबका फ़ोन नहीं होता, वो अपने पास फ़ोन को जमा कर लेते हैं, तो मैं उसको ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वो थोड़ा सा ना डर रहा था कि उससे, ऑफकोर्स पहली बार करो तो थोड़ा सा डरेगा ही, तो थोड़ा सा कि नहीं हो पाएगा नहीं हो, पर उसने धीरे धीरे करके कर लिया और बहुत ही अच्छे से उसने गो गाइडिंग करी है। मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा किया उसने। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी आएगी। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।